मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू हिंदी लिटरेचर। नाउ टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 39। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेश कब समाप्त तो होती। इस पैराग्राफ में जो है लेखक अपने बारे में बता रहे हैं। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, जब पास होने पर ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। उसके बाद भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता, पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। उसके बाद से फिर क्या होता है, सालाना फाइनल एग्ज़ाम होता है जिसमें लेखक जो है पास हो जाते हैं और उनके भाई जो है फेल हो जाते हैं। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, भाई साहब ने प्राणों तक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा क्रांतिकारी हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। उन पर दया आती थी, नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई, मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले। अब की भाई साहब बहुत नर्म पड़ गए थे, कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह कुछ समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कलकोए लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मैंने उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूलता पवन की ओर चला जा रहा हो, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लगे और झाड़ कर बांस लिए उसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानव उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे। सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम है, ना गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हें इसका कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और केवल मुझसे 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को उस
कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग आठवां दर्जा पास कर नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं इतने ही मिलिट्रियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिंटेंडेंट हैं। कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनखोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA और DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और आठवें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बात चाहे ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हम तुमसे ज़्यादा है। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊँ तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सेवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराए, ना बदहवास हो, पहले खुद और पहचान कर इलाज करेंगे। उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA है ही नहीं और यहाँ के MA नहीं ऑक्सफोर्ड के, 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है। उनकी बूढ़ी माँ हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाई जान ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ, तुम्हें मेरी बात जहर लग रही है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। बाय।